इस नए वीडियो में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे, हम लोग ने लास्ट ये पहली बात, ये वीडियो हम लोग का ऑन पेज एसईओ पार्ट का वीडियो है ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है एक एसईओ ऑप्टिमाइज पोस्ट या कंटेंट कैसे लिखा जाए, वो हम डिस्कस करेंगे। हम लोग ने अपने इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के जो भी हम लोग के ट्यूटोरियल्स अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने बेसिक टैग्स सारे सीखे। HTML के जितने भी बेसिक टैग्स थे, CSS थोड़ी सी सीखी, और CSS और HTML के बेसिस पे हम लोगों ने एक लेआउट जो है यहाँ पे क्रिएट किया। हम लोगों ने एक सिंपल CSS स्लाइडर जो है यहाँ पे किया। अभी इसमें सारी इमेजेस नहीं है अच्छे से, पर एक सिंपल CSS स्लाइडर किया हम लोगों ने। फुटर के इस तरह से लेआउट्स क्रिएट किए, फुटर 1 2 3 ऐसे करके। और ये हम लोगों ने एक अपना मान लीजिए पेज बनाया। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक पोस्ट के बारे में। हम लोग डिज़ाइन पे उतना अभी फोकस नहीं करेंगे, मगर हम लोग जिन चीज़ पे फोकस करेंगे वो है कि कंटेंट लिखने के लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है हम लोग एक पेज बना लेते हैं। मान लीजिए कोई भी पेज, हमें इसी टेक्स्ट को ही सबसे पहले HTML में सेव कर लेते हैं। मान लीजिए ये हम लोग की एक ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, इसका नाम है ब्लॉग पोस्ट डॉट HTML, और इसको हम लोगों ने सेव कर लिया। ब्लॉग पोस्ट डॉट HTML को हम अब अपने नोटपैड के साथ ओपन करते हैं। तो एक ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा R&D ये करनी पड़ती है कि वो कंटेंट हम सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि हम लोग का कंटेंट किस बारे में, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले कंटेंट के टाइटल पे ध्यान देना होता है कि कंटेंट का टाइटल क्या होने वाला है, ठीक है। फिर कंटेंट का जो आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, या कंटेंट का मेन डिस्क्रिप्शन जिसे कह सकते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन कितना लंबा होगा, कंटेंट डिस्क्रिप्शन लेंथ क्या होगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि उसके अंदर यूज़ होने वाली जो इमेज है, ठीक है, एक से अधिक इमेजेस भी यूज़ हो सकती हैं, तो वो इमेज कहाँ से आएगी, हम कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए अभी हम एक कंटेंट की बात करते हैं, हमारा आज का कंटेंट है मान लीजिए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जो यूज़र अब इस चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज करते हैं इंटरनेट के ऊपर, हम लोग को सबसे पहले देखना है कि यूज़र इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जुड़ी क्या क्वेरीज करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। हम इस कीवर्ड को कॉपी किया हमने, और हमने यहाँ पे ओपन किया एक टूल जिसका नाम है keywordtool.io, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन था आयो क्या है, तो आयो एक ब्रिटिश इंडियन ओशियन करके जगह का डोमेन नेम है बेसिकली। इसमें अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइप अ कीवर्ड इन प्रेस एंटर, जिसके थ्रू ये कीवर्ड सजेशंस देंगे। जो इसमें गूगल में पूछे जाते हैं, गूगल में, बिंग में, यूट्यूब में, अमेजन में, तो इनके पास इनके कुछ डेटा है, इनके कुछ APIs है, इनका फ्रॉड टूल है जो बहुत कुछ हम लोग को एनालिसिस देता है। हम लोग एक बेसिक अभी क्वेरीज के बारे में जानना चाहते हैं कि google.co.in यानी कि इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जुड़े हुए क्या कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं।
तो हम यहाँ पे जब प्रेस किया, मैंने एंटर प्रेस किया या सर्च पे क्लिक किया, तो ये इन टूल्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं हमको। कुछ पार्ट हिडन है, हिडन है कि सर्च वॉल्यूम क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, एडवर्ड्स कंपटीशन का मतलब कि ये जो कीवर्ड जो आए हैं, 253 करीब यूनिक रिकॉर्ड्स इनको मिले हैं, तो ये जो कीवर्ड्स आए हैं इसमें कीवर्ड का कंपटीशन क्या चल रहा है, कि इन कीवर्ड्स के लिए जो लोग टॉप पे आना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से उसकी सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक और एडवर्ड्स का कंपटीशन डिसाइड होता है। सर्च वॉल्यूम क्या है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं इस चीज को, तो हम लोग और भी चीजों को देखेंगे। अभी हमको जो यहाँ से बहुत क्योंकि हमारे पास प्रो अकाउंट नहीं है, हम बेसिक देख रहे हैं कि हम यहाँ पे लोगों की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से जुड़ी हुई क्वेरीज देख रहे हैं। तो क्वेरीज क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इसमें इन्फ्लुएंसर, अकाउंट बनाना पड़ता क्या? हाँ, इसमें आप अकाउंट बना सकते हैं और ये प्रो है, कीवर्ड टूल प्रो, मतलब इनके कुछ प्राइसिंग होगी जिसके थ्रू ये इन सब चीज़ों को भी दिखाएंगे आपको। अभी ये सिर्फ आपको जुड़े हुए अपने क्वेरी से रिलेटेड क्वेरीज दिखा रहे हैं, कि जो हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो कीवर्ड लिखा उस कीवर्ड से जुड़े हुए आपको कीवर्ड्स और दिखा रहे हैं। आपको अगर एडवांस लेवल पे काम करना है तो आप इसका जो है प्रो वर्जन खरीद सकते हैं और जो है एनालाइज कर सकते हैं डेटा जो ये सब हिडन है। हम अभी बेसिक डेटा से भी काम चला रहे हैं। लोगों ने जो ढूंढा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन इंडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, कंपनीज, एजेंसी, टूल, सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मीनिंग, आर्टिकल्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आर्टिकल्स लोग पढ़ना चाहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, एनालिटिक्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ब्लॉग्स हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है। अब ये नीचे जो है सब एग्जाम्पल्स आ गए, ई बुक्स आ गए, एक्सपर्ट्स आ गए, फंडिंग आ गए, गाइड, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गाइड, ग्रोथ हब, हाउ टू, ठीक है, होटल इन 2017, इंस्टाग्राम इन यूएसए, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पॉपुलर कीवर्ड है, ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ कीवर्ड आइडियाज हमको मिल गए। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी हैं, ठीक है, आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो सबसे पहला तो पार्ट यही है कि आप अपने जो आपका बिजनेस पेज है, ठीक है, जो बिजनेस इंफॉर्मेशन पेज है आपका या सर्विसेज पेज है आपका, ठीक है, तो सर्विसेज पेज के अंदर आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विस ऐड कीजिए, ठीक है ना, जो आपके वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, तो जो सर्विसेज पेज आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो सर्विसेज पेज में आप एक सर्विस ऐड करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नाम की, ठीक है, सर्विसेज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। अब हम इस पेज के जरा कंटेंट की बात करते हैं, ठीक, तो ये जो कंटेंट होगा ये हम लोग का सबसे पहले सेव किस नाम से होगा, जैसे ब्लॉग पोस्ट की जगह हम अभी एक सर्विस की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसको हम रीनेम करके क्या लिख देते हैं, इन्फ्लुएंसर डैश मार्केटिंग डॉट HTML, ठीक है। तो आपने आपका जो सबसे पहला काम आपने क्या किया कि जो आपके पेज का URL बनने जा रहा है, अब जैसे कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये URL में ये कीवर्ड जो है आपका आएगा आएगा, तो ये कीवर्ड आपने जो आपका सबसे मेन कीवर्ड था उसको आपने सबसे पहले तो अपने URL में ले लिया, ठीक है। अब जरा हम इसको यहाँ से एडिट करते हैं,
एडिट करने के बाद हम सबसे पहले और पेजेस की तरह अपने इस पेज को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। सो ये हमारे पास मान लीजिए आ गया, हमने कहीं से लिया इसको, अब हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, या जिस भी लोकेशन में आप, जैसे दिल्ली, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, अपना ब्रांड नेम भी आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेपरेटर्स यूज़ करते हैं, ये एक पाइप है, एक सेपरेटर है। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है, हमारा नाम है मान लीजिए स्लाइड स्कोर, ठीक है। मान लीजिए हम लखनऊ के लिए सर्विसेज देना चाहते हैं, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ स्लाइड स्कोर। हालांकि हमने वहाँ पे देखा कि लखनऊ से जुड़ी क्वेरीज नहीं थी, पर हम उन क्वेरीज से एक हम आइडिया निकाल लें कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में लोग जो है किसी लोकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आर्टिकल्स ये सब लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो एक पेज ये हम लोग का सर्विसेज पेज का पार्ट है, ठीक है। मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन में आप ऑब्वियसली लिखेंगे कुछ इस तरह से, स्लाइड स्कोप इज ए इन, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी बेस्ड इन लखनऊ, ठीक है, वी प्रोवाइड जो भी सर्विसेज हैं अलॉन्ग विद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप इस तरह से अपने कंटेंट की शुरुआत करते हैं, वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस फॉर स्मॉल मीडियम लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। तो इसमें आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं आप इंक्लूड, ठीक है। आप इसको जो है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हम लोग के टाइटल होगा ये अराउंड 70 कैरेक्टर्स के आसपास हो, इसमें यूज़ किए जाने वाले आपके वर्ड्स, ठीक है, कैरेक्टर्स, सॉरी 70 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए। जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन हो ये आपका अराउंड होना चाहिए 160 कैरेक्टर्स के अराउंड, ठीक है। ये वैल्यू या ये लेंथ कहाँ से आ रही है, मान लीजिए मैं कोई क्वेरी करता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, ये क्वेरी मैंने की यहाँ पे, तो इससे जुड़ा हुआ एक रिजल्ट आता है मेरे सामने। तो ये रिजल्ट जो आप देख रहे हैं या कोई भी रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो ये तो एक के लिए रिजल्ट हो गया जो वो अपने हिसाब से बेस्ट डेटा बता रहा है कि हाँ ये आंसर है उसका, पर ये एक और रिजल्ट है। इस रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, और जो आपका टाइटल आ रहा है वो अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा कर देंगे तो वो फिर नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही केस होगा, एक लिमिट से आगे, एक लिमिट से आगे नहीं दिखेगा, पीडीएफ फाइल में ज़्यादा दिखाते हैं। ये तो आपका एक रिजल्ट है, कार्ड सा आ रहा है, ये सजेशन पीडीएफ फाइल, हाँ ऑब्वियसली वो इसका यही रिजल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, वो उसी को ही दिखा रहा फीचर करके। बाकी जो नॉर्मल रिजल्ट्स हैं वो आपके सारे जो है एक पर्टिकुलर लेंथ में ही आ रहे हैं। तो ये जो ऊपर दिखा रहा है अपने आप दिखा रहा है, ये वो किया गया, प्रमोट किया गया, नहीं ये गूगल ने पिक भी किया है, उसके हिसाब से बेस्ट आंसर क्या है, और कार्ड रिजल्ट्स भी है, कार्ड्स के थ्रू भी दिखता है ये डेटा। हम लोग जो है अभी जिस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो नॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं अपने पास, तो वो रिजल्ट्स हमारे किस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें तो हमको उनके हिसाब से ये समझ में आता है
जो हम लोग के लेंथ होती है वो अराउंड 70 और 160 कैरेक्टर अगर हम रखें तो वो हम लोग जो है इस कैरेक्टर के लेंथ में रखें। अगला ये कीवर्ड है, मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स का, तो ये पहले यूज़ होता था, अब नहीं यूज़ होता है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हमने वहाँ से लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अब इसका कोई एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं रहा है SEO के ऊपर, तो आप इसको यूज़ करें ना करें ये आपकी च्वाइस है, बट जिस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है हम उसके ऊपर टाइम और स्ट्रेटजी क्यों वेस्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे अपने स्टाइलिंग के लिए CSS वगैरह भी हेड में इंक्लूड करेंगे, वो सब पार्ट है। हम अभी डिज़ाइन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंटेंट पे बात कर रहे हैं कि कंटेंट का जो है मटेरियल क्या है। अब आप कुछ यहाँ पे एक सबसे पहले जो लिखेंगे वो यूज़र को एक नेविगेशन भी दिखाते हैं कि आप अभी सर्विसेज में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हैं, ठीक है। इस चीज़ को ब्रेड क्रम्स कहा जाता है, ब्रेड क्रम्स, हाँ ठीक है। या आप ये भी बताते हैं कि जो भी यूज़र है वो एक्चुअली में अभी किस पार्ट पे है हमारे पेज में, ठीक है। ahref इज इक्वल टू, मान लो सर्विसेज हमारी services.html में थी A1 और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमारी ahref इज इक्वल टू इन्फ्लुएंसर डैश मार्केटिंग डॉट html, ठीक है। यहाँ पे एंकर बंद। सो ये आपका कई बार मेन्यू के नीचे दिखाई देता है, यहाँ पे आपका नेविगेशन बार होता है ना। नेविगेशन बार में आपके लिंक्स होते हैं, हम लोग ने एक डिटेल में पढ़ा है कि कैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेन्यूज हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, तो इस टाइप में हम लोग के नेविगेशन होता है। इसके बाद ऑब्वियसली अभी हम लोग कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की वर्क नहीं कर रहे, सो इसमें भी आपका उन पेजेस के लिंक्स होते हैं और सर्विसेज में, अब जैसे ये UL और LI होता तो ऑब्वियसली सर्विसेज के अंदर आपको सारी सर्विसेज ड्रॉप डाउन में दिखाई देती है ना, जैसा हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे। या जो भी केस है इसको हम एक बार देखते हैं। सो मतलब ये है कि अभी हम सर्विसेज में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के पार्ट में, ठीक है। अगर इसी तरह से मान लीजिए हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बाद कोई और तरह की सर्विस देते हैं, ठीक है, मान लो सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो हम एक नया पेज बनाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और उसमें होता है सर्विसेज में सोशल मीडिया मार्केटिंग। कई जगहों पे आप इन ब्रेड क्रम्स को इस तरह भी देखते हैं कि होम में सर्विसेज में तो फुल आपको ये दिया जाता है। इससे यूज़र को एक अच्छा, मान लो यहाँ पे home.html या index.html कुछ भी होता, तो इससे जो है यूज़र जो भी विजिट करेगा उसको साफ पता लगता कि हम अभी कहाँ पे हैं एग्जैक्टली, है ना, होम में। उसको यहाँ से जिस भी जगह पे जाना, मान लो इसके अंदर कोई पेजेस होते तो हम उस तरह से डिज़ाइन करते हैं। कोई भी जैसे हम ये वेबसाइट अभी ओपन की है हमने, तो इसमें हम कैटेगरी में ट्रेनिंग में डिजिटल मार्केटिंग में, होम में ट्रेनिंग आर्काइव है कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग, या कोई और वेबसाइट हम विजिट, तो हम अपने किसी और वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस पेज में हैं इस समय, तो कॉन्टैक्ट अस पेज में आपको वो दिखा रहा है कि आप अपने रूट से किस जगह पे आए हैं अभी। मान लीजिए इसके बाद और कोई पेजेस होते
वो भी देखा। तो पेजेस में, पोस्ट में, इस कैटेगरीज में आपको इस तरह से नेविगेशन देने से यूज़र को ये समझ में आ जाता है कि वो किस एंड पे है। मतलब ब्रेड क्रम्स का शाब्दिक अर्थ है ब्रेड के, मतलब यहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग की भाषा है उसमें ब्रेड क्रम्स का एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है। और ब्रेड क्रम्स इस तरह से होते हैं, कई बार जब हम लोग थीम्स पे CMS में काम करते हैं तो उसमें वो हम लोग से पूछता है कि आपको इस टाइप की सेटिंग चाहिए क्या ब्रेड क्रम्स से रिलेटेड। हम ऑफ या ऑन भी कर सकते हैं इसको। अगला पार्ट जो हम लोग करते हैं कि हम लोग का यानी कि ब्रेड क्रम्स भी लिख गया, ठीक है। इसके बाद हम अपने पेज को एक वेलकम मैसेज देते हैं कि कोई हेडिंग, ठीक है। हेडिंग मान लीजिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विस, ठीक है। सो जो आपका कीवर्ड है वो आपने अपने सभी पॉइंट्स पे आप उसको एक लिंक में ले रहे हो, अपने पेज पे आपने एक लिंक दिया है, भले ही आपका इंटरनल लिंक है मगर वो कीवर्ड यहाँ से उस लिंक पे लेके जा रहा है। और जो भी सेम है आपने वही कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शंस में, टाइटल्स में दिया हुआ है और वो कीवर्ड आप अपने हेडिंग में भी दे रहे हो। हेडिंग टैग को सर्च इंजन क्रॉलर्स एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस देता है। हेडिंग टैग्स के थ्रू वो ये समझता है कि जो कंटेंट है ये किस बारे में है, तो हेडिंग टैग से एक अच्छा इम्पोर्टेंस मिलता है। आगे चल के हम लोग स्कीमा भी सीखेंगे, ठीक है, स्कीमा मार्कअप या माइक्रो डेटा जो है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब किसी आर्टिकल या किसी पर्टिकुलर कोई भी कंटेंट है तो जो कार्ड्स डेटा आते हैं, जैसे अभी हम लोग के सामने कार्ड्स में डेटा आ रहा है, जैसे कार्ड्स में डेटा आते हैं आप गूगल पे आज के डेट में क्वेरी करते हो इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सीधे नरेंद्र मोदी की फ़ोटो आ जाती है, एड उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था, तो इस समय जो है लोगों के क्वेश्चंस के हिसाब से सर्च इंजन खुद को बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हम लोग जो है इन सब चीज़ों को भी देखेंगे आगे चल के। तो आपको अपने पेज का मेन हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विस। फिर आप पैराग्राफ शुरू करते हैं। कई बार पैराग्राफ की जो स्टार्ट होता है या पैराग्राफ का जो स्टार्ट करते हैं वो इससे बड़ा मिलता जुलता होता है, कई बार सेम ही होता है, इसी है ना। स्लाइडस्कोप इज एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी, फिर आप बताते हैं कि जो भी आगे अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं आपका। अगर आप किसी सर्विस के बारे में लिख रहे हैं तो आपको जो है ये बताना चाहिए कि वाई चूज, है ना, कि आपको क्यों चूज किया जाए। इसमें आप लिखते हैं अपना इस कंटेंट में आप क्या लिखते हैं। अगर हम एक सर्विस की बात करें तो इसमें आप लिखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है उस पर्टिकुलर सर्विस को लेके, आपने उसके कितने क्लाइंट्स मैनेज किए हैं, है ना, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने आपने मैनेज किए अब तक, आपने आपके क्लाइंट्स का जो है व्हाट क्लाइंट्स से अबाउट यू। तो ये आगे हम नीचे क्लाइंट टेस्टिमोनियल सेक्शन में देखेंगे। तो एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंट्स या नंबर ऑफ क्लाइंट्स, एक्सपीरियंस विद क्लाइंट्स आपका क्या रहा है, आपका खुद का क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स या बेसिकली आपके कंपनी का, ये सब पार्ट। अगर आप कोई फ्रीलांसर है तो आपका खुद का, अगर आप किसी कंपनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसे, तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं उनका क्या स्किल्स है, क्या स्किल सेट है, ये सब आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ जो और लिख सकते हैं, ठीक है, वो ये लिख सकते हैं कि व्हाट, जैसे ये H2 में मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा इसको कि व्हाट इज या वाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग
इज हेल्पफुल, ठीक है, या क्या हो सकता है बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो गया, बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। वाई, हम हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, और ये सवाल कहाँ से उठ के आ रहे हैं, ये सवाल उठ के आ रहे हैं उन कीवर्ड सजेशंस से जो हम लोगों ने इस टाइप के सर्च टूल्स से देखा है, ठीक है। हम अपनी स्टडी, अपने रिसर्च के हिसाब से हम हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं, कोई भी सर्विस क्यों ज़रूरी है, उस सर्विस के क्या बेनिफिट्स हैं, आप ही उस सर्विस को सबसे अच्छा किस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। वाई यू, है ना, क्वेश्चन ये सब है। तो इन सब के हर बार हेडिंग आएगी और हर बार एक पैराग्राफ आएगा, और उस पैराग्राफ में कुछ इनसाइट्स होंगी, ठीक है। इनसाइट्स आपकी कुछ इन्फोग्राफिक्स हो सकती हैं, इनसाइट्स मीन्स कि कोई आपने मान लीजिए कहीं से कुछ एनालाइज किया, कुछ डेटा, इन्फोग्राफिक्स मतलब कि कुछ डेटा कि इतने परसेंट ऑफ लोग ये यूज़ करते हैं, जी इतने परसेंट ऑफ लोग जिन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ किया वो सक्सेसफुल हैं, इतने परसेंट जिन्होंने नहीं किया वो सक्सेसफुल है, लोग आ रहे हैं, मतलब इन्फोग्राफिक्स कुछ भी आपका जो है डेटा से रिलेटेड। बेसिकली क्या मतलब हुआ, आप डेटा, किसी भी डेटा को एनालाइज करके आपने जो है क्या इनसाइट्स निकाले, ठीक है। डेटा को एनालाइज किया, उसके बेसिस पे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है, उन कंक्लूजन्स को आपने रिपोर्ट्स का फॉर्म दिया या ग्राफिक्स का फॉर्म दिया, ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, उन रिपोर्ट्स को आपने लिख के यहाँ पे बताया। सो ये जो स्ट्रेटजी है ये लगभग हर चीज़ के साथ काम करती है, पर आप देखेंगे जो सब हेडिंग्स हैं जैसे H2, तो ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो आपके अदर कीवर्ड्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, अदर कीवर्ड्स या की फ्रेजेस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, मगर आप जो है उनको सबको तो कैप्चर नहीं कर सकते अपने मेन हेडिंग में, तो आप उन कीवर्ड्स को यहाँ पे भी कैप्चर करते हैं, और ऐसे उनको हेडिंग फॉर्मेट में लिखने से क्या होता है कि आपको वो अलग से दिखाई भी देते हैं, है ना, यूज़र को वो साफ साफ दिखाई भी देते हैं, तो आप एक यूज़र के लिए भी ऐसा एक्सपीरियंस तैयार कर रहे हैं कि यूज़र्स को वो चीज़ पढ़ने में आसानी हो, और आप जो है आंसर्स में उन चीज़ों को भी लिख रहे हैं जो यूज़र की क्वेरीज हो सकती हैं, है ना। मैं आदमी जानना चाहता है कि बेनिफिट क्या होते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के, आदमी जानना चाहता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों हेल्पफुल, ये बस उसी चीज़ को लिखने के अलग अलग तरीका, ठीक है। तो कोई भी आप कीवर्ड लिखिए, कुछ भी लिखिए, आप उसको एक अच्छे से लिखिए। यहाँ पे हमने जैसे इमेज नहीं दिए अभी, इमेज बहुत इम्पोर्टेंट होती, आप कोई बैनर यहाँ पे मान लीजिए है रिगार्डिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोर्स हो गया banner.jpg मान लो, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी पोस्ट हम लोगों ने लिखी है तो उसको हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ बैनर्स दिए हैं, जो भी पोस्ट आप दिख रही है जैसे व्हाट इज़ हिस्टोरिकल ऑप्टिमाइजेशन, कुछ भी अपने एंड से जो भी मीनिंगफुल बैनर बनाने की कोशिश की है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना, कि ब्लॉग्स हैं जो एक दूसरे को, ये किसके थ्रू लिखा जाता है, देखिए इसके लिए अभी ये तो बहुत ही बेसिक इमेज है, ये कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है, पर हम लोग जो है बहुत सारे टूल्स हैं, एक टूल है कैनवा, कैनवा का बेसिक मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, आप अपने से ट्राई कर सकते हैं।
कैनवा एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिसका यूज करके आप अपने पोस्ट के लिए बहुत अच्छे इमेजेस बना सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस के लिए इस तरह का थंबनेल क्रिएट किया है ना। मैं SQL PHP के ऊपर कुछ जो कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पार्ट्स में वीडियोस हैं उनके लिए ये, या एक रीकैप्चा के बराबर के लिए पोस्ट लीजिए उसका ये, एक ये ईमेल मैंने बनाई है ग्रुप के लिए। तो आपको जो है कुछ ऐसे आप एडवर्टाइज और FBD ऐसे करके आप बना सकते हैं। सो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं इनके लिए। तो ये हम लोगों का सब अचीव हुआ है कैनवा के थ्रू। कैनवा के ऊपर मैं वैसे कैनवा बहुत इजी है यूज़ करना, पर मैं फिर भी एक इंट्रोड्यूस करूँगा आपको पूरा अच्छे से कि हम लोग इससे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा के साथ सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हर तरह के सोशल मीडिया के लिए जो साइज होते हैं पर्टिकुलर, है ना, जैसे कि आपको अगर थंबनेल बनानी है तो 1280x720 पिक्सल्स की होनी चाहिए। आपको फेसबुक का कवर बनाना है तो कितने पिक्सल्स का होना चाहिए, ठीक है, तो कैनवा में वो सब दिया है। कैनवा को मैं अच्छे से इंट्रोड्यूस करूँगा, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ इस चीज़ को। पर आपका क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली ये मैंने पेंट से बनाया, ये कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है, पर कुछ इसमें मीनिंग देने की कोशिश की है एटलीस्ट। पर हम लोग का जो इमेज यूज करने का पर्पज है, एक तो ऑब्वियसली यूजर को वो इमेज अगर सही लगी, उस टॉपिक से जुड़ी हुई लगी, तो वो जो है उससे तुरंत कनेक्ट करेगा फर्स्ट। सेकेंड चीज, आप यहाँ पे एक ऑल्ट देते हैं, ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेट टेक्स्ट, और ये आपके SEO के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त ऑप्शन है ऑल्ट एट्रीब्यूट। आप टाइटल भी दे सकते हैं अपनी इमेज को, ठीक है, टाइटल सेम रख सकते हैं। टाइटल वो चीज़ है जब यूज़र इमेज के ऊपर माउस को होवर करेगा तो उसको दिखाई देगा। क्या मान लीजिए हम इसको ओपन करते हैं, तो इस पोस्ट में क्या टारगेट किया गया है कीवर्ड कि व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, इससे जुड़े हुए टैग दिया गया है। हिंदी में मैंने अब जस्ट दिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, उस कीवर्ड को मैंने हेडिंग में लिया है और इस इमेज के टाइटल में लिया है और इसके ऑल्ट में लिया। मान लो हम इस इमेज का कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और उसी सेम इमेज को हम यहाँ पर दे देते हैं, ऐसा, तो ऑब्वियसली विथ हाइट वगैरह हम लोग अपने डिज़ाइन के हिसाब से क्लास इमेज की चूज कर सकते हैं। हम लोग जो है अब इसको लोड करते हैं तो वो इमेज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा विथ कंट्रोल कर लेते हैं उसको, मान लो हम लोग कहने का लगता है 500 पिक्सल, सो हम लोग की एक पोस्ट का जो बेसिक लेआउट है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से वो पोस्ट की इमेज आ रही है जब हम उसके ऊपर ले जा रहे हैं अपने माँ। तो ये सब चीज़ें क्या है ऑल्टरनेट टेक्स्ट, आपको अपने कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करना, यूज़र के सारे सवाल जो हैं उनके उनको देना, यहाँ पे लिखना, ठीक है, उनके जवाब देना, और जवाब देने के बाद उनका जो है यूज़र के से जो है आपको कुछ एक्शन भी लेने को आप कहते हैं यूज़र से जो भी। तो आप क्या, आपकी स्ट्रेटजी क्या बनी, आप सारे कीवर्ड्स इस तरह से कॉपी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी आप उनको समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले आपने दिया हु आर इन्फ्लुएंसर्स, हु आर एडवर्टाइजर्स, ठीक है, हाउ डज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क, स्टेप 1 2 3 4 5 सब दिया हुआ है।
थिंग्स टू कंसिडर बिफोर चूजिंग अ परफेक्ट इन्फ्लुएंसर, कौन इन्फ्लुएंसर आप चूज करने वाले, ये एक्चुअली आंसर है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विस। आप अपने इसमें कुछ कीवर्ड्स और भी यूज कर सकते हैं जो कई लोग सर्च भी करते हैं, जैसे वहीं से देख के यूज करें, बेस्ट बेस्ट है ना, बेस्ट है, टॉप है, इस तरह के कीवर्ड्स भी कई बार यूजर डालते हैं। कई बार यूजर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी यूज करते हैं, विच इज द बेस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे करके। कई बार जो यूजर्स जब मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं, तो मोबाइल फोन्स का यूज करते टाइम कई बार वो लोग कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं, विच इज द बेस्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी इन लखनऊ। सो आपको उन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी कई बार कंसिडर करना चाहिए और उनके हिसाब से भी अपने पोस्ट के कंटेंट को लिखना चाहिए। ऑब्वियसली एक कंटेंट राइटिंग को समझना, इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं। हम लोग आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जब भी हम लोग को मौका मिलेगा हम लोग और पॉइंट्स अपने और वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और स्टार्टिंग ये चीज़ें कंसिडर करना सही है। ठीक है, आप जो है फिर अपना एक्सपीरियंस और सब कुछ लिखा, आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि यूजर को एक कॉल टू एक्शन की तरफ जो है ले चल रहे हैं। कॉल टू एक्शन मीन्स कि अगर वो हमारे पास इस सर्विस को पाने के लिए आया था, ठीक है, तो वो कोई एक्शन ले सके। अगर हम इन आर्टिकल्स को यहीं पे छोड़ देंगे या इस कंटेंट को यहीं पे छोड़ देंगे, तो यूज़र जो है नहीं समझ पाएगा कि वो डायलेमा में रहे। आप कई बार यहाँ पे उसके लिए कैसे लिखा जाता है कि आप लिखते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, है ना, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब इस कॉन्टैक्ट अस पे क्या हो सकता है कि आपके कॉन्टैक्ट अस पेज हो सकता है, आपका एक कॉन्टैक्ट अस पेज हो सकता है, ठीक है, जो आपने अलग डिज़ाइन किया है, उस कॉन्टैक्ट अस पेज में आपने एक फॉर्म रखा है, उस फॉर्म में यूज़र की डिटेल्स आएंगी, जैसे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, तो मतलब वो कुछ कॉल कोई एक्शन लेगा, ठीक है, और कॉन्टैक्ट कर लेगा हमको अगर उसको कोई डाउट है। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, मान लीजिए जो भी आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर पे आप जो है सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं टेल, ठीक है, और सीधे नंबर आप यहाँ से अपना करा सकते हैं। आप कोई तो इस तरह में आप अक्सर देखते हैं कि बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉल टू एक्शन के लिए, बहुत सुंदर सुंदर बटन्स लगाए जाते हैं, बटन के बीच में आपका लिखा हो जाता है कॉल अस, ठीक है, ताकि यूज़र को कुछ भी ये ना करना, वो वहीं से कॉल अस बटन पुश करें और सीधे आपको कॉल हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कॉल नाउ, जिसमें आपका टेल यहाँ पे आपका जो है टेलीफोन नंबर दिया गया है, ठीक है, कि इफ यू वांट एनीथिंग या जो भी तो आप कॉल कर सकते हैं, एक बटन दिया हुआ है मैंने, तो इसको ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं। तो अगर हम उसको यहाँ से इंस्पेक्ट करें तो ए एच रैफ इज इक्वल टू टेल, ऑब्वियसली मैंने नंबर अभी डमी नंबर दिया है यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया था लास्ट टाइम, तो एच रैफ इज इक्वल टू टेल आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, किस तरह से आप कॉल कॉलर्स में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो ए एच रैफ इज इक्वल टू टेल, ठीक है, और खोला है अपना नंबर, ठीक है, तो आप मेल टू यूज़ कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेल टू अस। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं,
आप यूजर को कुछ भी करने का मौका नहीं दे रहे, ये गलत है, ये ऐसा है, वो थोड़ा सा एचडीएफ होगा, ठीक है। तो आप जो यूजर को कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं कि वो कुछ भी अपने से एडिशनल उसको मेहनत करनी पड़े, आप सब कुछ यहीं पे दे रहे हैं उसको, परोस के दे रहे हैं बिल्कुल। कि अगर आपको जो है कुछ भी हमें फॉर्म करना है, कई बार ये होता है कि यहीं पे क्लिक किया और एक अकॉर्डियन में फॉर्म खुल के आ गया, छोटा सा फॉर्म, वो फॉर्म फिल किया, हमारे पास कॉन्टैक्ट इंक्वायरी आ गई और उन फिल किया गया और जो है हमें कॉन्टैक्ट कर लिया उसको। तो अगर हमने कॉन्टैक्ट नहीं दिया होता तो शायद वो यूज़र फिल नहीं करता और वो जो है हम तक इंक्वायरी कभी नहीं करता, नहीं कॉल करना चाह रहा था वो, अगर कॉल करना चाह रहा सीधे कॉल कर ले, ईमेल करना चाह रहा सीधे ईमेल कर ले। या एक चीज़ है कि अगर कई केस में बाय नाउ का भी ऑप्शन होता है, मान लो एक बटन मैंने दिया और उसको मेरी पूरी बात कन्विंसिंग लगी, है ना, जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा था वो उसको कन्विंसिंग लगा, सो उसने डिसाइड किया कि ठीक है अब इसको हम लोग बाय कर लेते हैं, बाय नाउ। यहाँ से आपका सीधे जो है रिडायरेक्ट हो गया, ऑन क्लिक आपने रिडायरेक्ट कर दिया किसी पेज पे, जो जिसमें आपका जो है रिडायरेक्ट कर दिया आपने, जिसमें आपका पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, पेमेंट गेटवे पेज पे, और उसने वहीं से कर लिया। ऑब्वियसली आप इस चीज़ के लिए कोई ना कोई प्राइसिंग या आप रखेंगे। कई बार आप देखते होंगे कि लोगों को कन्विंस करने के लिए फ्री ट्रायल है ना, फ्री ट्रायल दिया जाता है 30 डे, मनी बैक गारंटी, है ना, कि अगर आप नहीं सेटिस्फाई हुए तो हम आपको 10 डे, 20 डे, 30 डे मनी बैक गारंटी या इस टाइप की चीज़ें आप मेंशन करके देते हैं। सो किसी सर्विस के ऊपर या किसी सर्विस को लेके हम लोग की ये एक हम लोग का एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग ने समझा है कि किसी सर्विस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से लिखते हैं, क्या क्या चीज़ हो सकता है, कुछ पॉइंट्स मेरे छूटे हों। अगर जो भी यूज़र्स इसको देखेंगे वो उनको लगता है कि कुछ पॉइंट्स हम और अच्छे मेंशन कर सकते हैं, वो कोई आइडिया अपना बता सकते हैं या कुछ और अच्छा इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं, तो ऑब्वियसली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वहाँ से, ताकि और यूज़र्स को भी हेल्प हो। हम लोग ने अभी अपने इनसे डिस्कस किया, फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग पोस्ट को लेकर डिस्कशन करेंगे कि एक ब्लॉग पोस्ट को हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और ब्लॉग पोस्ट किस तरह से लिखी जाती है, हम लोग कुछ लाइव ब्लॉग पोस्ट को देखेंगे भी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है किसी कीवर्ड पे, और उसके अंदर के कंटेंट को भी देखेंगे। सो आपके लिए नाइस डे।